आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी हम अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं जो कि बिहार से है। बड़ी खबर है, बिहार के आईएएस संजीव हंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये अब तक का किसी सीनियर अधिकारी के खिलाफ बड़ा एक्शन बताया गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजीव हंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रडार पर हैं, और वहीं अब बिहार बीजेपी भी संजीव हंस पर हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि किसी भी सूरत में भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने चूहेदानी लगा दी है। संजीव हंस जैसे और कई इसमें फंसेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। तो बिहार से ये बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि ईडी लगातार रेड कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। और जब इस तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि और भी अधिकारी हैं रडार पर, वहां तक भी ईडी की जो है पहुंच होगी, और कुछ और भी अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है। सौरभ कुमार इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, अगर बिहार में देखा जाए तो कोई सीनियर आईएएस अधिकारी उस पर इस तरह का एक्शन दिखाई नहीं दिया जो इस वक्त वहां पर ईडी ने एक्शन लिया है, और जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, हमने चूहेदानी लगा दी है, तो क्या और भी बड़े अधिकारियों पर इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है बिहार में? जी बिल्कुल बिपले, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद किसी बड़े अधिकारी पर ईडी की छापेमारी की गई है। हालांकि संजीव हंस की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कल जो एक तरीके से कहे तो बलात्कार का आरोप जो संजीव हंस पर लगा था, उस महिला से भी ईडी की जो टीम है वो करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा संजीव हंस के जितने भी रिश्तेदार हैं और उनके जो सीए हैं, उनके भी ठिकानों पर, उनके भी आवास पे ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि और भी जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। जी, और सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी हमें देने के लिए। तो ये एक बड़ा एक्शन बिहार में देखने को मिला है। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बीजेपी का कहना है। बिहार के आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, और ये भी माना जा रहा है कि अभी और भी इसी लेवल के अधिकारी हैं जिन पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बिहार में ईडी अभी काफी एक्टिव है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रडार पर थे संजीव पहले से ही। आगे